वन टोन स्कूप में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं फिजिक्स के लेक्चरर जनाब मुइनुद्दीन गाजी साहब। आपका नाजिमुद्दीन गाजी साहब आपका स्टूडियो में स्वागत है। आज हम साइंस की एक स्ट्रीम फिजिक्स को लेकर आपसे बातचीत करना चाहेंगे। एक इम्पोर्टेंट स्ट्रीम है जो कि साइंस में एक अहमियत की हामिल है। आज रिजल्ट्स आए हुए हैं, बच्चे अपने कैरियर को लेकर परेशान है कि उन्हें महाराष्ट्र बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में कहाँ एडमिशन्स लेने चाहिए। गाजी साहब हमें बताइए इस बात के, आप देख रहे हैं कि रिजल्ट्स आए हैं ट्वेल्थ के और टेंथ और ट्वेल्थ के, कि बच्चे ये परेशान है कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए अपने कैरियर के लिए, सीबीएसई बोर्ड को चूज करना चाहिए या फिर जो है स्टेट बोर्ड को चूज करना चाहिए। देखिए, जो टेंथ के रिजल्ट के बाद बच्चे आमतौर पर परेशान रहते हैं कि उन्हें स्टेट बोर्ड में लेना चाहिए या फिर सीबीएसई में जाना चाहिए। जनरली होता ही है कि जो बच्चे टेंथ स्टेट बोर्ड से पास करते हैं वो चाहते हैं कि स्टेट बोर्ड को ही कंटिन्यू किया जाए, जो सीबीएसई से पास करते हैं वो चाहते हैं कि सीबीएसई कंटिन्यू किया जाए। एट प्रेजेंट सिलेबस अप्रोक्सीमेटली 11th 12th का मिलाकर जो स्टेट बोर्ड का है सेम सीबीएसई का है, माइनर डिफरेंसेस है, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर स्टेट बोर्ड से है तो स्टेट बोर्ड में कंटिन्यू कर सकते हैं या सीबीएसई में जा सकते हैं, या सीबीएसई से अगर अटेंड किया है तो स्टेट बोर्ड में भी आ सकते हैं या सीबीएसई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी सिलेबस सेम हो जाने के कारण से इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जी, फिजिक्स एक इम्पोर्टेंट स्ट्रीम मानी जाती है साइंस की, इसमें बच्चे जो है काफी फिजिक्स का मैथ्स का जिस तरह से फोबिया होता है, फिजिक्स का भी फोबिया होता है, तो ये फोबिया बच्चों का स्टूडेंट्स का कैसे दूर किया जा सकता है? फिजिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट समझाया जाता है लेकिन डिफिकल्ट है ही नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। डिफिकल्ट होता लगता बच्चों को इसलिए है कि वो इसको डे टू डे स्टडी नहीं करते हैं। एग्जाम के टाइम पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे, इस हिसाब से पढ़ते हैं, तो जब बर्डन बन जाता है तो फिर उसमें सब्जेक्ट कोई भी हो वो डिफिकल्ट बन जाता है। तो दूसरे एक और फैक्टर है, डिपेंड करता है टीचर पर भी। अगर टीचर्स को इजी वे में पढ़ाएंगे, अच्छी टेक्निक से पढ़ाएंगे, तो वही सब्जेक्ट जो बच्चे डिफिकल्ट फील कर रहे थे उनको वो ईजी लगने लगता है। तो टीचिंग फैक्टर पर भी डिपेंड करता है कि आपका टीचर कैसे है। अगर टीचर बहुत अच्छा है तो वही सब्जेक्ट जो आपको डिफिकल्ट लग रहा था वो आसान लगने लगता है। दूसरे डे टू डे स्टडी करेंगे तो जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट था वो भी और आसान हो जाता है। फिर फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है। अगर आपकी लोअर स्टडीज बहुत अच्छी रही है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिजिक्स आपको बहुत आसान लगेगा। एक मैथमेटिक्स का फैक्टर भी होता है कि जिन लोगों का मैथमेटिक्स अच्छा होता है उनका फिजिक्स भी अच्छा होता है। जनरली कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स का फोबिया होता है, मैथमेटिक्स से एलर्जी होती है, तो जिन बच्चों को मैथमेटिक्स बहुत वीक होता है उनको फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। फिर इधर 11th 12th में आने के बाद कुछ बच्चे जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि मैथ्स को ड्रॉप कर दिया जाए, लेकिन कुछ बच्चे उसको रखना चाहते हैं। इंजीनियरिंग में कंपलसरी है, मेडिकल लाइन के लिए कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन फिजिक्स की स्टडी जब आप कर रहे हैं तो अगर आप मैथ्स रखेंगे 11th 12th में तो उसको आपको फिजिक्स को समझने में आसानी जाएगी, हेल्प मिलेगी। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है मैथ्स, तो एक फैक्टर वो रहता है कि अगर आप मैथ्स रखते हैं तो आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, लेकिन कम से कम इतना तो रखें कि आपको फिजिक्स को समझने में आसानी जाए। तो मैथ्स को ड्रॉप करने में आपको टाइम बचेगा लेकिन फिजिक्स को समझने में डिफिकल्टी आएगी। तो इसलिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि बच्चों को अगर आप मेडिकल लाइन में जाना भी चाहते हैं तो मैथमेटिक्स को साथ में रखें, इससे आपको फिजिक्स को समझने में आसानी जाएगी। हाँ, आप बहुत ज्यादा उसका टाइम कंज्यूम ना करें, लेकिन कम से कम इतना कर लें कि आपको 50% के आसपास मैथ्स में मार्क्स मिल जाए, क्योंकि वो परसेंटेज आपका नीट में काउंट होना नहीं है, लेकिन उसको फिजिक्स समझने में आपको आसानी जाएगी। तो फिजिक्स को फोबिया को दूर करने का मेथड यही है कि उसको आप डे टू डे स्टडी करें और प्रॉब्लम को उसके ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करें। फिर जो पढ़ाया जाए उसको आप लिखकर देखें, लिखकर देखना मतलब रटना नहीं है जी, बल्कि उसको समझ के पढ़ना है, स्टेप टू स्टेप। आपने क्या है कि फिर उसका आपके जो नोट्स हैं, आपके जो बुक्स हैं, उससे आप वेरीफाई करें कि आप उसको कहाँ तक पहुँचे हैं, तो इससे आपको फिजिक्स बहुत हेल्प मिलेगी। बल्कि फिजिक्स का सभी सब्जेक्ट का टेक्निक यही रहेगी कि इसको अगर आप लिख के देखते हैं तो आपको जो सब्जेक्ट वो परफेक्ट हो जाता है जी। आपने नीट की बात की, HSC एग्जाम्स के अलावा भी जैसे नीट है या फिर जो इंजीनियरिंग के जो एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं,
उसकी प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, JEE जो है वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है और मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम जो है नीट एंड EET, ये दोनों मल्टीपल चॉइस पर डिपेंड है जी। तो बच्चे क्या करते हैं कि इनको लगता है कि अपना नीट एग्जाम अपने को फेस करना है तो 12 की स्टडी क्यों की जाए जी, सिर्फ नीट पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। लेकिन बेस उनको मिलेगा 12 की स्टडी से ही। नीट के एग्जाम में 11th प्लस 12th दोनों की स्टडी करना है। तो कुछ बच्चे होते हैं कि 11th की स्टडी को बराबर करते नहीं, वो सोचते हैं कि अपने खाली 12th तो पास करना है, अपने को 11th क्यों पढ़ा जाए जी, 11th से पास हो जाते हैं, ये सोच कर 11th को पढ़ते नहीं है। लेकिन नीट के लिए और JEE दोनों एग्जाम के लिए 11th प्लस 12th दोनों का कंबाइंड सिलेबस है। तो जब तक 11th का 12th का सिलेबस आपका परफेक्ट नहीं होगा, आप नीट की या JEE की प्रिपरेशन बराबर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बच्चों के लिए जरूरी है कि 11th पे भी कॉन्सेंट्रेट करें, 12th पे कॉन्सेंट्रेट करें और इस स्टडी के बेस पर फिर नीट और JEE की प्रिपरेशन करें। दोनों के मेथड में डिफरेंस है, ये जो 11th 12th का सिलेबस रहेगा जो आप एग्जाम देंगे वो सब्जेक्टिव रहेगा, और नीट एंड JEE जो आप देंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। दोनों की टेक्निक भी डिफरेंट है, लेकिन जब तक 11th 12th की पढ़ाई आपने अच्छे से नहीं की है तब तक आप इसकी स्टडी बराबर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप 11th की पढ़ाई करें, 12th की पढ़ाई करें और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, इन एडिशन जहां आप क्लासेस लगा रहे हैं उस क्लास पर कॉन्सेंट करने के अलावा। आपने बेस की बात की, तो जो बच्चे जिनका बेसिक कमजोर होता है 10th से जो आते हैं फिजिक्स में अगर कमजोर है तो वो अपनी कमजोरी कैसे दूर कर सकते हैं? हाँ, उसकी कमजोरी को दूर करने का मेथड ये होगा कि जो लोअर क्लासेस में उन्होंने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज किया जाए, जैसे स्पेशल 8, 9 और 10 इसकी जो उनके साइंस की बुक्स हैं उसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लें बिफोर स्टार्टिंग 11th एंड 12th। अगर उन्हें ये एम्बिशन बनाया कि मुझे मेडिकल में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना ही है, मुझे इंजीनियर बनना ही है, लेकिन उन्हें अपनी जो लोअर क्लास में जो स्टडी किया था उसको उस वक्त उनका इतना अच्छा उन्होंने स्टडी नहीं किया था, उसका उनका कॉन्शियस नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए, बहुत इसी वे में उसको लिया था। तो अब जब 11th 12th में आने के बाद उनका जब जागृत हो चुके हैं वो कि नहीं मुझे अब अच्छा पढ़ना चाहिए, मुझे स्टडी करना चाहिए और बगैर पढ़े कुछ होना नहीं है, तो उनको चाहिए कि जो लोअर क्लासेस की जो उनके बुक्स थे साइंस की उसको एक बार फिर से रिवाइज करें जी। फिजिक्स का इम्पोर्टेंस, फिजिक्स का जैसे नाम आता है तो मेरे जहन में भी बिग बैंग थ्योरी सामने आ जाती है एकदम। ये बिग बैंग थ्योरी क्या है और इसका फिजिक्स में क्या अहमियत है फिजिक्स के अंदर? देखिए, यूनिवर्स का जो क्रिएशन हुआ है इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज आई और वन बाय वन रिजेक्ट होती गई, लेकिन लेटेस्ट थ्योरी जो है वो बिग बैंग थ्योरी है जो एक्सेप्टेबल है बाय द साइंटिस्ट। उनका ये कहना है साइंटिस्ट का कि यूनिवर्स क्रिएट कैसे हुई जी। जैसे आइंस्टाइन के एनर्जी मास रिलेशनशिप है E=mc², उसके हिसाब से आइंस्टाइन डिस्क्राइब किया और बिग बैंग थ्योरी वालों ने इसको डिस्क्राइब किया साइंटिस्ट ने कि यूनिवर्स में जो एनर्जी है ये मास में कन्वर्ट हुई जी, और फिर मास में सडनली एक एक्सप्लोजन हुआ एक्सीडेंटली वो कहते हैं जी। लेकिन ये जो साइंटिस्ट कहते हैं वो ईश्वर को मानते नहीं है, लेकिन इतना बड़ा जो यूनिवर्स क्रिएट हुआ ये ईश्वर के बगैर नहीं हो सकता जी। तो ईश्वर की कल्पना से, ईश्वर के मानने से, ईश्वर के इच्छा से इसमें एक्सप्लोजन हुआ और इस एक्सप्लोजन के रिजल्ट में फिर ये जो मास था ये ब्रेक हो गया, टूट गया और फिर एक्सपांड होता चला गया और एट प्रेजेंट भी एक्सपांड हो रहा है जी। और उसी के नतीजे में, उसी के रिजल्ट में ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ, ये अर्थ बना, ये मार्स बना, सन बना और स्काई बना, ये बहुत सारे जो प्लैनेट्स बने हैं, डिफरेंट गैलेक्सीज बनी, ये बनती गई और इसमें एक्सपांशन का प्रोसेस हुआ, एक्सपांशन का प्रोसेस भी एट प्रेजेंट जारी है। ये इंटरेस्ट को उभारने के लिए फिजिक्स में, फिजिक्स में किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसमें जो स्कूल और कॉलेज लेवल पर साइंस के एग्जीबिशन लगते हैं इसको फ्रिक्वेंटली विजिट करना चाहिए, जहां भी एग्जीबिशन लगता है वहां जाना चाहिए और जो एक्सपेरिमेंट वहां डेमोंस्ट्रेट किए जाते हैं उसके बेसिक प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करना चाहिए। मतलब फिजिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जी, प्रैक्टिकली इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको समझने बहुत आसान है, उससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा जी। तो बच्चों को ये चाहिए कि साइंस एग्जीबिशन को विजिट करें, वहाँ जो एक्सपेरिमेंट डेमोंस्ट्रेट किया जाता है उसको समझने की कोशिश करें वो किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करते हैं, और जो उसमें के जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हैं उसको खुद भी घर में करके देख सकते हैं, उससे उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा उसमें जी।
आप एक यहाँ किदवाई जूनियर कॉलेज में लेक्चरर हैं, मीडियम को लेकर जो चीजें सामने आती हैं, मराठी हो, उर्दू मीडियम हो या और दूसरी लैंग्वेजेस, इंग्लिश हो, तो दूसरे इंग्लिश के अलावा दूसरे स्ट्रीम में जो लोग साइंस मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, उन्हें किस तरह की डिफिकल्टीज फेस करना पड़ती है, उसको फिर कैसे दूर कर सकते हैं? हाँ, शुरू में जो बच्चे उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाते हैं उनको पहले साल तकलीफ जाती है, लेकिन जहां वो पढ़ रहे थे लोअर क्लासेस में, जिस मीडियम में, सब उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हो या हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो या मराठी मीडियम में पढ़ रहे हो, तो उनको ये चाहिए कि अपनी इंग्लिश को बहुत स्ट्रांग रखें। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हायर स्टडीज करना इंग्लिश लैंग्वेज में ही है, तो इंग्लिश पर उनको अपना स्ट्रांग को बनाने की कोशिश करना चाहिए। भले ही उन्होंने पढ़ा हो जैसे डिफरेंट मीडियम में, वर्नाकुलर लैंग्वेज है तो उसमें समझने में आसानी जाती है, तो लोअर स्टडीज उन्होंने की है उसमें, तो उसमें उनके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन साथ साथ इंग्लिश पे उनको कॉन्सेंट करना है कि इंग्लिश को अपना स्ट्रांग बनाने की कोशिश करना है इन सब्जेक्ट में जो पढ़ रहे हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश की, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए, उससे उनको आगे जाकर आसानी जाएगी। जी, एजुकेशन के इस कार्यक्रम में हमारे 1-to-1 स्कूप के स्टूडेंट्स को, दर्शकों को, आप बताइए फिजिक्स को लेकर कुछ टिप्स दीजिए कि ये किलर सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये एक बेहतरीन सब्जेक्ट है जिसमें वो अपना करियर बना सकते हैं। नहीं, फिजिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें लिए जरूरी है कि आप इसको, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसकी स्टडी प्रॉपरली करें, डे टू डे स्टडी करें, जितना आपकी क्लासेस में पढ़ाया गया उसको आप घर पे आके पढ़ें, उसको आप लिख कर देखें और उसमें प्रैक्टिकल इंटरेस्ट डेवलप करें, उससे फिजिक्स बहुत आसान बन जाता है। इसलिए फिजिक्स आपको दोनों फील्ड में लगेगा, अगर आप मेडिकल लाइन में जा रहे हैं या इंजीनियरिंग लाइन में लाने दें, दोनों के लिए आपको फिजिक्स जरूरी है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, टैलेंट को डेवलप करता है, आपके सोचने की समझने की सलाह डेवलप होती है, तो अगर आपका फिजिक्स स्ट्रांग हो तो आपके सोचने की समझने की सलाह ज्यादा बढ़ जाएगी। ये थे नाजिमुद्दीन गाजी जो फिजिक्स के लेक्चरर हैं नागपुर में किदवाई जूनियर कॉलेज में। हम इनसे और भी बातचीत करेंगे फिर कभी, अभी आप देखते रहिए 1-to-1 स्कूप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, आपने हमारे स्टूडेंट्स को गाइड किया। फिर कभी आपसे मुलाकात करेंगे किसी और टॉपिक पे, जब तक के लिए मेरी इजाजत दीजिए।